மங்களம் கௌதமோகணீ மங்களம் குந்த குந்தாத்யாஹ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம். महानुभाव, अब मैं आपसे थोड़ी सी ये चर्चा करूंगी कि जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया तो जैन का प्रतीक बनाया गया तीन लोग बनाया गया ना, और आप लोग आज भी उस प्रतीक को अपनाते हैं। सन 1972 में जब मैं आई थी तो हर मीटिंग में प्राय आचार्य श्री की आज्ञा से हमें बैठना होता था। तीन लोग का प्रतीक जब निर्धारित हुआ तो इस विषय को लेकर के कि ओम शब्द अपनी ब्रह्मांड में जैन और जैनेतर सभी में मान्य है, कोई ऐसा प्रतीक बनाया जाए जो जैन का ही हो, वो तीन लोग का प्रतीक बनाया गया। और उस समय चर्चा रही कि चूंकि मैंने सन 1972 में दिगंबर दैन त्रिलोकसो संस्थान की स्थापना की थी तो उसी विषय को लेकर के ये चर्चा सामने आई कि तीन लोग का प्रतीक बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि जैन के सिवाय किसी को नहीं मालूम है। यह ब्रह्मांड, ये सृष्टि तीन लोग में विभक्त है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए, एक 15-20 मिनट के लिए तीन लोग की सहज यात्रा करा दूं। बैठे बैठे आप देखेंगे कि 14 राजू ऊंचा तीन लोग है, 7 राजू चौड़ा है, और फिर घटता हुआ कमर के पास आया, बीच में 7 राजू ऊपर तो एक राजू रह गया, फिर कोहनी के पास आया, ऐसा हाथ धरकर आप खड़े होंगे तो 3.5 राजू ऊपर आया तो यहाँ 3.5 राजू रह गया, फिर ऊपर गया तो एक राजू रह गया, ऐसा तीन लोग का आकार है। इस तीन लोग के आकार में इसकी मोटाई भी 7 राजू है, तो बीचों बीच में त्रसनाड़ी है। त्रसनाड़ी का मतलब है कि जिसमें त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव से आप समझते हैं कि नहीं, कौन बताएंगे? त्रस जीव किसे कहते हैं बताओ? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस जीव है, और 1 इंद्रिय जीव स्थावर हैं। तो त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव हैं। हम त्रस हैं कि स्थावर? हम और आप त्रस हैं, पंचेंद्रिय है ना। पंचेंद्रिय में 4 भेद हैं, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, समझे? 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सब तिर्यंच ही हैं, ध्यान रखना। 4 इंद्रिय तक कोई मनुष्य नहीं है, न देव है न नारकी है। नारकी पंचेंद्रिय है, मनुष्य पंचेंद्रिय है, देव पंचेंद्रिय है, और तिर्यंचों में भी असंख्यातों तिर्यंच पंचेंद्रिय है, लेकिन सब त्रसनाड़ी में है। त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेकर सब त्रसनाड़ी में है। अब हम आपको थोड़े में ले चले, दोनों पैर फैला करके तीन लोग बनो, जरा दिखा दो। विजेंद्र कब? हाँ, हमारे पर ये बन जाएंगे। तीन लोग बनकर दिखाओ जरा, इधर सामने खड़े होकर देखो। तीन लोग का ध्यान हम कराते हैं और करते हैं। दोनों पैर फैलाओ अच्छी तरह, पूरे पैर फैलाओ। ये तीन लोग बन गया, ऐसा तीन लोग बन जाओ आप, और रोज ध्यान करो 5 मिनट तीन लोग का। आपका प्राणायाम व्यायाम भी हो जाएगा, तीन लोग का ध्यान भी। बीचों बीच में त्रसनाड़ी है, एक राजू चौड़ी, एक राजू मोटी और 14 राजू ऊंची। इसमें जो है आप मध्य लोक देखे, 7 राजू तक मध्य लोक है, 7 राजू में बीच में, नीचे 7 राजू में अधोलोक और 7 राजू में ऊर्ध लोक। मध्य लोक का हिस्सा जो है ऊर्ध लोक से थोड़ा सा लिया गया है, जरा सा, 1 लाख योजन मात्र ऊंचा बस, समझे? अब आप चाहे तो बैठ जाए मुझे। ये तीन लोग का आकार आपने देखा, ऐसा बनकर के ध्यान करना चाहिए।
तो बीचों बीच में कृष्ण आली, ये मध्य लोग आया आपके कमर के पास, नानी नाभि के पास, तो अधोलोक में आप 10 हिस्से कर लीजिए, 7 राज्यों में नीचे नाभि के नीचे के हिस्से में आप 10 हिस्से करिए। एक हिस्सा नीचे निगोद का है, नित्य निगोद, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरियो भरे दुखवार। ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्म ले लेता और 18 बार मरण, इतनी तुच्छ आयु है। ऐसी तुच्छ आयु निगोद में हमने आपने अनंत अनंत काल व्यतीत करके पाई है, अनंतों काल निगोद में रहे हैं। सबका स्थान कहाँ है? मूल स्थान निगोद, और जाना कहाँ है? ऊपर में सिद्ध शिला पर। सब लोग ध्यान रखो, आए कहाँ से हैं? निगोद से, और जाना कहाँ है? सिद्ध शिला में। तो निगोद एक हिस्सा दे दिया, 7 नरक है, नरक 7 है ना, 7 नरक को 7 हिस्से दे दो, 8 हिस्से गए। 2 हिस्से और हैं, उनका नाम है रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो अब बहुल भाग तो नरक में गया, 2 हिस्से ऊपर के हैं, खर भाग और पंख भाग, इसमें नारकी नहीं है, ध्यान रखना। खर भाग और पंख भाग में नारकी नहीं है। नीचे एक हिस्से में निगोद, 7 हिस्से में नरक, 2 हिस्से में है देव, भवनवासी देव, उनके 7,72,00,000 भवन बने हुए हैं। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के कितने भवन हैं? 7,72,00,000। सब लोग नोट कर लो, अपने मोबाइल में नोट कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो, अपनी कापी पेन हो नोट कर लो। आज कापी पेन की जरूरत नहीं, सबके पास मोबाइल में रहता है, नोट करना। 1 मिनट के लिए दर्शन करने भी आते हैं तो फोटो खींचने लगते हैं, 1 मिनट के लिए दर्शन करने के लिए उनकी छूट दिया तो फोटो शुरू मोबाइल का। आज मोबाइल का युग चल रहा है, मोबाइल में आप नोट करो। अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में 2 भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 दिन मंदिर है, उनको नमस्कार कर लो। पुनश्च व्यंतर देवों के असंख्यातों मंदिर हैं। अब हम मध्यलोक में आएंगे। मध्यलोक नाभि के बराबर छोटी सी जगह में है, लेकिन एक राज्य चौड़ा है। अब इसमें जो है असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और सब थाली के समान हैं, थाली के समान आकार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र में पहले द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप और अंतिम द्वीप का नाम है शंभू रमण द्वीप, ध्यान रखो। जम्बूद्वीप को घेर कर रमण समुद्र है, हस्तिनापुर में देखना आप। रमण समुद्र को घेर कर धातकी खंड है, 13 द्वीप रचना में बना हुआ है। आप आएंगे आपको हम दिखाएंगे, अभी हस्तिनापुर पहुंचेंगे तो। धातकी खंड को घेर कर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है, और उसके बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, हेमचंद जी नींद नहीं लेना, हमारी बात ध्यान से सुनना, फिर हम पूछेंगे बताना पड़ेगा। तो उसमें जो है बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है, बस वहाँ तक मनुष्यों की सीमा है। कुल 2.5 जीव तक मनुष्यों की सीमा है, 2.5 जीव तक मनुष्य कितने हैं वो भी नोट करो, 29 अंक प्रमाण, इकाई दहाई सैकड़ा हजार चलते हैं ना आप, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इसे 29 अंक प्रमाण कुल मनुष्य है 2.5 जीव में। अब बताइए आप 2.5 जीव में मनुष्यों की संख्या कुल 29 अंक प्रमाण है तो कितनी कम रही, और नारकी कितने हैं? असंख्यात। देव कितने हैं? असंख्यात। तिरंज कितने हैं? असंख्यात। मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण। उसी में भोग भूमिज मनुष्य जवाहरलाल जी, कर्म भूमिज मनुष्य और कुभोग भूमि के मनुष्य, 96 कुभोग भूमि है 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में 96 कुभोग भूमि है जिसमें सींग और पूछ के मनुष्य होते हैं, सींग पूछ मनुष्य आदि, कुभोग भूमि के मनुष्य, कुमानुष, वो कुमानुष कहलाते हैं। सुभोग भूमि, कुभोग भूमि, आर्यखंड और म्लेच्छ खंड, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य, आप हैं आर्य मनुष्य, आर्यखंड के मनुष्य हैं आप लोग, आर्य कहलाते हैं। आर्याम्लेच्छाश्च सूत्र है ना, तो आर्य हैं आप लोग। अम्लेच्छ कौन है? जो मांसाहारी हैं,
शराबी है, हमेशा खटीगाजी का काम करते हैं, शिकारी है, जुआरी है, वो सब मिलेच्छ कहलाते हैं। कोई क्रिया से मिलेच्छ है, कोई जाति से मिलेच्छ है, कोई क्षेत्र से मिलेच्छ है, वो सब अलग अलग भेद बहुत हो जाएंगे। आप आर्य से, क्षेत्र से भी आप आर्य हैं, जाति से भी आर्य हैं, क्रिया से भी आर्य हैं, तीनों तरफ से अब आर्य है। आर्य माने सज्जन पुरुष जो दीक्षा दे सके। क्षेत्र आर्यखंड में जन्मे हैं, क्षेत्र से आर्य है, क्रिया से आर्य है, आप लोग सब सदाचारी हैं, सत्व व्यसन से मुक्त है जीवन आपका, व्यसन मुक्त जीवन है। और चारित्र से भी आर्य हैं, जाति से भी आर्य हैं, उत्तम कुल में जन्मे हैं। जैन में 84 जाति ध्यान रखना, अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, पद्मावतीपुरवाल जैन आदि सब जातियाँ हैं, वो सब एक समान है, कोई ऊंची बड़ी नीची नहीं है। अगर उसे संकर कर दे तो वो हीन हो जाते हैं, वो अगर पुण्य करते हैं तो कुभोग भूमि में जाते हैं, ध्यान रखना। जिनके यहाँ संकर हो जाता है ना, एक जाति से दूसरी जाति में संकर व्यास आदि हो जाती है, वो अगर पुण्य करते हैं तो कुभोग भूमि में जाते हैं, सिंह पूज वाले मनुष्य हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग सजातीयत की रक्षा का उपदेश देते हैं। आप सजातीयत की रक्षा करोगे, ये भावना भाव कि हमारे कुल में आगे जाकर के तीर्थंकर पैदा हो, हमारे वंश में आगे जाकर के नारायण पैदा हो, हमारे वंश में आगे जाकर चक्रवर्ती पैदा हो, ऐसी भावना भाव अपने कुल की रक्षा करो, समझे, अपने सजातीयत की रक्षा करो। तो हमने बताया कि 10 भेद हमने नीचे किए, अब 7 राज्यों में 10 भेद किए थे, एक निगोद का, 7 नरक का और 1 खरभाग पंखभाग का, उसमें देव हैं। अब ऊपर के हिस्से में हम 21 भाग करेंगे, संक्षेप में आपको ले चलेंगे जल्दी जल्दी। 21 भाग में एक भाग तो आप मध्यलोक को दे दो, एक राजू ऊंचा, वो एक राजू नहीं, एक राजू चौड़ा है मध्यलोक, उसमें 1,00,000 योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है संसार में, सारे विश्व में, तीनों लोकों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सुमेरु पर्वत, जिस पर भगवान का जन्माभिषेक होता है, 1,00,000 योजन ऊंचा। तो 1,00,000 योजन ऊंचा ये मध्यलोक है, एक हिस्सा उसका गया, हमने 21 हिस्से ऊपर किए हैं। अनिल जी, ऊपर के भाग में 21 हिस्से, एक भाग तो गया मध्यलोक में, अब बीचों बीच में लाइन डाल दो और 8 हिस्से करो, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनंद, प्राण, आरण, अच्युत, 16 स्वर के नाम, 8 नाम इधर, 8 नाम इधर, 8 स्वर्ग इधर, 8 इधर, तो 8 हिस्से में 16 स्वर्ग हो गए, एक हिस्सा मध्यलोक का, 8 हिस्से में 16 स्वर्ग हो गए ना। अब 9 हिस्से में 9 ग्रहवेग, ये रचना आपको देखनी है सही आगम के अनुसार, तो आप हस्तनापुर में 3 लोग रचना बनी देखें और अयोध्या में 3 लोग रचना बनाई जाएगी, अयोध्या में 3 लोग रचना बनाई जाएगी, मैंने पहले ही घोषित किया है। अयोध्या में 101 पुत्र भगवान के मोक्ष गए, भरत आदि, उनका मंदिर बनेगा, 101 पुत्र सब मोक्ष गए, उनकी मूर्ति बनेगी, वो हमारे अनिल जी बोल चुके हैं, उनकी पुत्री अनामिका खड़ी हो गई थी, उसी समय बोल दिया था उस त्यानु, समझे, और शिलान्यास भी हो चुका है, मैं शिलान्यास सन 1918 में करा के आई हूँ, 19 में, और भरत भगवान खड़े होंगे, उसकी भी स्वीकृति स्वामी जी को हो चुकी है, एक सज्जन है महानुभाव लखनऊ के, उन्होंने कह दिया भरत भगवान मेरी तरफ से खड़े होंगे जैसे यहाँ खड़े हैं। तीसरी बनेगी 3 लोक की रचना, ये पूरी रचना बनेगी, समझे, और फिर बनेगा सर्वतोभद्र महल भगवान का, जो महल वहाँ बन चुका है मांगी तुंगी में, ऋषभदेवपुरम में, सरसावत महल का नक्शा स्वामी जी दिखा देना एक बार। और चौथी रचना, पांचवी रचना बनेगी 720 रत्नों की, 24 जो विराजमान होंगी रत्नों के, 30-24 720 भगवान रत्नों के, उनका मंदिर बनेगा, ये रचनाएं वहां के लिए घोषित हो चुकी हैं। सन 1918 में ही, 19 में ही हम वहां घोषित करके शिलान्यास करा के आ चुके हैं। भव्यात्माओं, तो मैं बता रही थी कि ऊपर के भाग में 7 राज्यों में हमने 21 हिस्से किए, 21 हिस्से में कितने गए, एक तो मध्यलोक का गया, 8 हिस्से स्वर्ग के गए, जो 2-2 स्वर्ग एक साथ हैं, 9 हो गए,
और नौ ग्रह के नौ हिस्से 18 हो गए और एक हिस्से में नौ अनुदिश हैं, 19 हो गए, एक हिस्से में पांच अनुत्तर हैं, विजय वैजयंत जयंत सर्वार्थ सिद्धि, ये अंतिम हिस्से, समझे? तो ये हो गए 20 हिस्से। अब एक हिस्सा बचा, एक हिस्से में सिद्ध शिला, सिद्ध शिला में अर्धचंद्राकार है, मानो 70 पर्वत के बराबर, ढाई द्वीप के बराबर है सिद्ध शिला, ढाई द्वीप के बराबर है सिद्ध शिला। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक विद्वान ने लिख दिया कि जम्बू द्वीप एक गांव के समान है और नंदीश्वर द्वीप पूज्य है। तो वो पंडित जी को हमने बुलाया, आते थे दिल्ली की बात है, और दिल्ली में हम थे उसमें कमोजी की धर्मशाला में। हमने पंडित जी से प्रश्न किया, है बताओ कि नंदीश्वर से कितने जीव मोक्ष गए? तो देखने लग गए इधर उधर, बोले माता जी एक भी लोग मोक्ष नहीं गए, नंदीश्वर में तो मनुष्य जा ही नहीं सकते। तुमने कहा जम्बूद्वीप से कितने लोग मोक्ष गए? अब वही देखने लग गए। मैंने कहा जम्बूद्वीप से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए, अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, अनंत महापुरुष मोक्ष गए हैं। जम्बूद्वीप में अयोध्या है, वहां जन्म लेकर के असंख्यातों असंख्यातों तीर्थंकर मोक्ष जा चुके हैं, असंख्यातों महापुरुष भरत चक्रवर्ती आदि मोक्ष जा चुके हैं, श्री राम आदि मोक्ष जा चुके हैं, और असंख्यातों आगे जाएंगे। तो हमने बताओ आप जम्बूद्वीप एक गाँव के समान है, नंदीश्वर पूज्य कैसे रहा? नंदीश्वर जैसा पूज्य उससे अधिक पूज्य जम्बूद्वीप है। नंदीश्वर में तो केवल 52 दिन मंदिर ही है और कुछ नहीं, 52 दिन मंदिर है, वो भी पूज्य है, महान है। आज अभी एक बहन जी हमसे कहने लग गई, माता जी जो यहाँ मंदिर में वैभव है, सोने का सुंदर सुंदर सब चमक रहा है, हीरा मोती माणिक, आकृतिम चैत्यालय में वैभव कितना होगा? हमने कहा आकृतिम चैत्यालय में जितना वैभव है उसका वैभव यहाँ सरसों बराबर है, इतना वैभव वहां है। आप त्रिलोकसार पढ़े, त्रिलोकसार में आप पढ़े कितना वैभव वहां है अकृत्रिम जिन मंदिर में, उसका कभी वर्णन हम आपको सुनाएंगे, पारस चैनल के माध्यम से आप सुनना। एक महिला कह रही थी सुबह, माता जी हम पारस चैनल का प्रवचन आपका एक दिन नहीं छोड़ते हैं, रोज सुनते हैं, चाहे घर में सुने चाहे कहीं भी जहां बैठे हों। तो बात यही है पारस चैनल तो हम आपके लिए ही तो सुनाते हैं, और किसके लिए सुनाते हैं बताओ। तो 20 हिस्से हो गए, एक हिस्सा मध्यलोक का, 8 हिस्से 16 स्वर्ग के, 9 हिस्से 9 ग्रहवेग के, एक हिस्सा 9 अनुदिश का, एक हिस्सा अनुत्तर का, 5 अनुत्तर का, और एक हिस्सा सिद्ध शिला का, हो गए ना 21। ऐसे 21 हिस्से कर लो ऊपर के, 8-10 हिस्से नरक के किए, 21 हिस्से ऊपर के किए, ऐसे 31 हिस्से करके आप विभाजन करो और ध्यान करो। हम निर्घोष से निकले हैं, अभी हम मध्यलोक में हैं, मनुष्य पर्याय में, और हमें जाना है अभी स्वर्ग। अभी मोक्ष डायरेक्ट नहीं मिलेगी पंचम काल से, स्वर्ग से आकर फिर मनुष्य भाव धारण करेंगे, फिर सिद्ध शिला को प्राप्त करेंगे, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जहाँ भगवान भरत चक्रवर्ती विराजमान है, जहाँ श्री राम विराजमान है। सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं मांगी तुंगी से, आप पढ़ते हैं ना, राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवा की नील महानील कोटि 99 मुक्त पयान, आगे बोलो तुंगी गिरी दो धर ध्यान, समझे? तो इस प्रकार से प्रतिदिन तीन लोग का ध्यान करना चाहिए आपको, खड़े होकर करो बहुत अच्छी बात है, खड़े होकर नहीं कर सकते हम तो, कई बार खड़े होकर करने में जब थकान महसूस देती है कभी, तो हम लेट करके ही और पैर फैलाकर तीन लोग बनकर ध्यान कर लेते हैं, लेट करके ही कर लो, आप सोते समय आप लेट जाओ, दोनों पैर फैला कर तीन लोग का आकार बना लो और लेट कर ध्यान कर लो, और नहीं तो खड़े होकर करो 5 मिनट 10 मिनट तीन लोग का ध्यान करो, तो निश्चित ही क्या होगा, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। 14 राजू ऊंचा है, 3 लोक है, इसमें अज्ञान से हम भ्रमण कर रहे हैं, और अब ज्ञान मिल गया, अब विश्वास करो कि हमें समय ज्ञान मिल गया है, भगवान की वाणी मिल गई है, भगवान ऋषभदेव की वाणी, भगवान महावीर की वाणी मिल गई है हमें, अयोध्या जैसे तीर्थ मिले हैं, समय शिखर पावापुरी जैसे तीर्थ मिले हैं, कुंडलपुर जैसे तीर्थ मिले हैं, हम लोग धन्य हो गए हैं।
हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। विरासत में जैन धर्म मिला है हमें और आपको, विरासत में, बिना पुरुषार्थ के। आप चिंतन करें कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। उस सौभाग्य की और पुण्य की सराहना करते हुए आप भावना भाते रहे कि हे भगवान, अब हम पुनः निगोद में न जाएं। अगर पाप करेंगे तो फिर निगोद चले जाएंगे, और निगोद चले गए तो निकालेगा कौन? महावीर भगवान भी नहीं निकाल सकते, सर्वज्ञ भगवान भी नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता, न कोई गुरु न कोई। मनुष्य में तो हम आपको संबोधन दे देंगे, हाथ पकड़ करके गुरु आपको जबरदस्ती खींचेंगे, आओ भैया चलो हमारे साथ चलो। लेकिन नगोदिया जीव को क्या करेंगे, जहां कान नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं, केवल एक इंद्री, एक सांस में 18 बार जन्म मरण, ऐसी निगोद पर्याय, यही भावना भाव कि हे भगवान, अब हमें निगोद में जाने का मौका ना आए, और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करके और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें। ऐसे सिद्धों को सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराज। अभी क्या है, एक गांव, बड़े गांव में 3 लोग बन गया, उसमें 3 लोग के ऊपर भगवान रख दिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है। 3 लोग में धर्मास्ती काय अभावात, धर्मास्ती काय का अभाव होने से 3 लोग के बाहर सिद्ध भगवान नहीं जा सकते। तत्वार्थ सूत्र सूत्र आया है ना, धर्मास्ती काय अभावात, धर्मास्ती काय का अभाव होने से लोक के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं जा सकते, लोक के अंदर ही अंदर है, समझे, लोक के अंदर है सिद्ध भगवान, लोक के अंदर है सिद्ध शिला, अंदर है, यहाँ है सिद्ध शिला, अपने मस्तक के अंदर बनाना, सिद्ध शिला मस्तक के अंदर बनाओ अर्धचंद्राकार, और उसी के अंदर सिद्ध भगवान को विराजमान करना, मस्तक के ऊपर नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे। तो ऐसे 3 लोग का ध्यान करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारा ये सब बिहार के आगमन का छोटा सा प्रवास आप सबके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः मंगल आशीर्वाद।